नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आर्मी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी ने दिल्ली आरओ ने रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस जारी की हैं। तो आज हम इस भर्ती के बारे में जानेंगे डिटेल में कि इस भर्ती में इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हाइट क्या होगी, वेट क्या होगा, चेस्ट रनिंग कितनी होगी आपकी, और आपको कितने चिनअप लगानी पड़ेंगी पास होने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा केवल सच। तो चलिए चलते हैं अभी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट रैली JCOs/OR। तो दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे आर्मी रिक्रूटमेंट ओपन रैली फॉर डेली एंड मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। तो दोस्तों, इसी भर्ती के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। इसको हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस तरह से कुछ हमारे पास में जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी इसकी भर्ती की डिटेल डाली गई है उसका जो है वो नोटिस खुलकर सामने आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली IRO। IRO की दोस्तों फुल फॉर्म होती है इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली कैंट। तो इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली कैंट ने दोस्तों भर्ती के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो ये दोस्तों जो भर्ती होने वाली है वो 27 अप्रैल 2020 से 12 मई 2020 के बीच में होने वाली है। अभी इन्होंने जगह किस भर्ती स्थल के लिए जानकारी नहीं दी गई है। वेन्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर। तो ये भर्ती होने वाली है 27 अप्रैल 2020 से 12 मई 2020 के बीच में। तो दोस्तों, इसमें दिल्ली पूरे स्टेट के, उसके बाद में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और पलवल डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा के हैं इनके जो कैंडिडेट्स होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो भर्ती होगी 27 अप्रैल 2020 से 12 मई 2020 के बीच में, और आपके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो 27 फरवरी 2020 से 11 अप्रैल 2020 के बीच में इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल एविएशन एमिनिशन एग्जामिनर, सोल्जर टेक्निकल NA AMC NA वेट, इन पदों पर भर्ती होने वाली है। तो हम अभी जानेंगे इन्हीं के बारे में कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले है दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसके लिए आपकी जो एज लिमिट होगी वो 17 से 21 साल होगी, और आपके लिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना अनिवार्य होगा। हाइट होगी दोस्तों जनरल ड्यूटी यानी कि GD के लिए 170 सेंटीमीटर, और वेट होगा आपका 50 सेंटीमीटर, चेस्ट होगा आपका 77 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन देना होगा। उसके बाद में एजुकेशन QR होगा दोस्तों आपका, क्लास 10th पास होना चाहिए आपके लिए, मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, 33% मार्क्स आपके ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो ये तो होगी दोस्तों GD की बात। अभी सोल्जर टेक्निकल की बात कर लेते हैं। सोल्जर टेक्निकल में 17 से 23 साल तक आपकी एज लिमिट होगी, आपका जन्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में, और आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, वेट होगा आपका 50 kg, चेस्ट होगा 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। उसके बाद में आपके लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ में, और इंग्लिश। तो आपके पास में 4 सब्जेक्ट होना, सोल्जर टेक्निकल की भर्ती अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास में 4 सब्जेक्ट होना अनिवार्य होंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश अनिवार्य होगी। सभी सब्जेक्ट में आपके लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, और जो एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होंगे वो 40% से किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद में सोल्जर टेक्निकल NA की भर्ती आती है दोस्तों। तो सोल्जर टेक्निकल भर्ती के लिए दोस्तों NA की भर्ती के लिए आपकी एज लिमिट होगी 17 से 23 साल, आपकी जन्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में, हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, और चेस्ट 77 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपका एजुकेशन QR मतलब आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंटरमीडिएट पास इन साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो आपके पास में 5 सब्जेक्ट होना अनिवार्य होंगे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। उसके बाद में आपको किसी भी
इन सब्जेक्ट में आपके लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य होगा और आपके किसी भी सब्जेक्ट में 40% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों सोल्जर क्लर्क की। सोल्जर क्लर्क की आपके लिए जो एज लिमिट होगी वो 17.5 से 23 साल होगी और आपका हाइट जो होगी वो 162 सेंटीमीटर होगी। वेट होगा आपका 50 kg और चेस्ट होगा 77 सेंटीमीटर। क्लर्क के लिए आपके लिए किसी भी स्टेट से आपके लिए +2 यानी कि 12th पास होना अनिवार्य होगा किसी भी सब्जेक्ट में। आपके क्लर्क की भर्ती देखने के लिए आपके पास में 60% मार्क्स होना अनिवार्य है और किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ बात कर लेते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन की। तो सोल्जर ट्रेड्समैन के दोस्तों 17.5 से 23 साल आपकी जो एज लिमिट होगी, उसके बाद में हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 सेंटीमीटर, चेस्ट होगा 77 सेंटीमीटर और क्लास 10th आपको सिंपल पास होना अनिवार्य है किसी भी सब्जेक्ट में, 33% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8th पास, तो यहाँ पर आपके लिए जो 8वीं पास है उनके लिए भी अच्छा मौका है। यहाँ पर अगर आप 8वीं पास हैं और आर्मी को भर्ती होना चाहते हैं तो आप भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों चेस्ट, वेट और एज लिमिट तो आपकी सभी में सेम होगी, लेकिन आपके जो क्लास 10th होगा वो सिंपल पास होना चाहेंगे और ये जो वैकेंसीज होंगी वो मैस कीपर एंड हाउस कीपर के लिए होंगी। तो दोस्तों ये थी भर्ती के बारे में जानकारी। यहाँ पर कुछ फिजिकल के बारे में दिया गया है। अगर आप फिजिकल ग्रुप 1 में पास करते हैं 1.6 किलोमीटर की रन, तो आपके लिए 5 मिनट 30 सेकंड में इस रनिंग को पूरा करना होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे 60 मार्क्स। और अब ग्रुप सेकंड में आते हैं 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में, तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह अगर आप 40 नंबर आपको पुलअप्स में चाहिए तो आपको 10 पुलअप्स लगानी होंगी। तो इसी तरह से यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।